मुसलमानों सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला हुक्मरान बन गए, खलीफातुल मुस्लिमीन बन गए। जदों खलीफा बन गए ने उमर हुण इस तरीके दे नाल किदां लोगां दी खिदमत कर रहा वा, किदां लोगां दे कम कर रहा वा। लोग रात नूं सौ जांदे ने, उमर मदीने दीआं गलियां च चलदा वा, घर घर दा पता लैंदा वा। कोई भुखा ते नहीं सौ गया, कोई किसे परेशानी दे अंदर मुबतला ते नहीं। लोगां आख्या उमर की गल आ, जदों दा हुक्मरान बणिया वा सारी रात भी नहीं सौंदा, दिने भी आराम नहीं करदा। उमर कहिंदा लोगो मैनू नींद किदां आ सकदी है, मैं किदां सौ सकना वा जिन्हें आवाम की निगरानी करनी होवे। हुक्मरान खादम हुंदा वा, मेरा दिल नहीं चाहता उमर अपने बिस्तर ते लेटा होवे, लोग परेशान बैठे होवन, किसी के घर के अंदर चुल्ला ना बलदा होवे, किसी के बच्चे भुके बैठे होण। कल क्यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह के अंदर उमर जदों पेश होवेगा, अपने रब नूं की जवाब देवेगा। उमर इस वजह तो रात पैरा देंदा वा। एक दिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला बाजार के अंदर गुजर रहे सन, एक घर के अंदर बच्चों के रोण की आवाज़ आती है। फिर अगला टाइम हुंदा वा, उमर फिर चक्कर ला के आते ने, अजे भी बच्चे रो रहे ने। जदों तीसरे टाइम हुंदा वा, उमर फिर वापस आते ने, उस बच्चों के रोण की आवाज़ फिर आ रही है। उमर दरवाजे घड़ी रुक जाते ने, बीबी की गल है बच्चे क्यों रो रहे ने, मैनू तीन दफा हो गई है, मैं जो भी इहदी गुजरना वा इन्हां बच्चों के रोण की आवाज़ आती है, अंदरों आवाज़ आती है। पुछण वालिया तू कौन आ, चल अपना काम कर। आख्या नहीं बीबी दसो ते सही। फरमाया की तेनू दसीए, मेरा शौहर फौत हो गया वा, बच्चे यतीम हो गए ने, घर खाण वास्ते कुछ नहीं, ये बच्चे मंगते ने, मैं कितों देवा। उमर जदों इन्नी गल सुनते ने तड़प जाते ने, रब्बुल आलमीन कल क्यामत वाले दिन तेरी बारगाह दे अंदर उमर किदां पेश होवेगा। उसे वाले बैतुल माल दे अंदर आते ने, खाने वाली चीज़ा लेंदियां ने, एक बोरे दे अंदर पा लिया। उमर उठाण लगते ने, खादम अगे आ गया, अमीर अल मोमिनीन ये वजन मैं उठावगा, मेरे कंध्या ते रख दियो। उमर आख्या ही नहीं हो सकता, एक उमर का बोझ आ, उमर ही उठावेगा। कल क्यामत वाले दिन जवाब उमर ने देना होवेगा, तू नहीं देवेगा, लिहाजा मैं बोझ उठा के लैके जावगा। सैयदना उमर फारूक बोझ उठाते ने, उस बीबी के दरवाजे ते दस्तखत दिते ने। आख्या बीबी जी आ कुछ समान मैं लैके आया वा, तुसी खाना तैयार करो। उमर तुहाडे घर के अंदर अग जलांदा वा, खुद अग जलांदे ने, खाना तैयार हो जाता वा, बच्चे खाते ने। उमर जदों वेख्या बच्चे खा रहे ने, उमर कहन लगे ने बीबी जी हुण अल्लाह वास्ते उमर नूं माफ़ कर दिओ। आख्या नहीं उमर नूं माफ़ नहीं करांगे, कल क्यामत वाले दिन उमर दे कोल इस गल का हिसाब लिया जाएगा। मुसलमाना दा हुक्मरान बनिया, तैनू पता नहीं लोग किस हाल दे अंदर जिंदगियां किदां गुजर रही ने। उमर आख्या बीबी अल्लाह वास्ते उमर नूं माफ़ कर दियो, उमर अल्लाह दी बारगाह दे अंदर हिसाब किदां दे सकेगा। बीबी कहन लगी भाई जी अगर तुसी कहंदे हो तो मैं उमर नूं माफ़ कर देनी हाँ, वरना हिसाब अल्लाह के सामने पेश होना। सैयदना उमर फारूक ने अज तो बाद ऐलान कर दिता, लोगो सुन लवो, जिस घर के अंदर भी कोई बच्चा पैदा हुंदा वा आण के उदा दराज करावो, ना लिखावो, उस दिन तो ही उस बच्चे का वजीफा ला दिता जाएगा। तो वजीफा लैन वास्ते तुहानू आण की जरूरत नहीं, उमर घर घर पहुँचावेगा, बच्चा पैदा होवे उदा ना लिखा दिओ आण के। जिन्ना चर बच्चा मां दा दुध पींदा वा उहदा वजीफा बैतुल माल दे विचों जावे।